Good morning, students. I am Sonia Saini, your SS teacher, and today we will study our fifth chapter in geography, class 7th, and the chapter name is water. So, students, अब तक जो previous chapters हमने discuss किए हैं, उनमें हमने पढ़ा है lithosphere के बारे में, atmosphere के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे hydrosphere के बारे में. तो हमें पता है हाइड्रोस्फीयर मींस जितनी भी वाटर बॉडीज हमारी अर्थ में अवेलेबल हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वाटर साइकिल. इसमें हम देखेंगे जो वाटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ में वो कैसे अपनी फॉर्म चेंज करता है, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलती रहती है. इस प्रोसेस में हम वाटर साइकिल देखेंगे. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. नॉर्मली हम देखते हैं हमारी अर्थ में जो वाटर है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है. कहीं आइस की फॉर्म्स में है, कहीं ग्लेशियर की फॉर्म्स में है, कहीं सी में है, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर बॉडीज़ का, इसमें हम इसे डिस्कस करेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन. जो ओशियन में वाटर प्रेजेंट है उसमें जो मूवमेंट्स होती हैं, जो सर्कुलेशन होती है, इसमें हम उन्हें देखेंगे. और इस मूवमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे मेनली वेव्स के बारे में, टाइड्स के बारे में, और ओशियन करेंट्स के बारे में. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक के साथ. और हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल. तो जो वाटर साइकिल है ये जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हमारी अर्थ पर कंटिन्यूस होती रहती है. इसमें वाटर क्या करता है, अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है और अर्थ पे प्रेजेंट रहता है किसी ना किसी फॉर्म में. तो अब देखिए ये जो नीचे वाटर है, जो रिवर में वाटर दिखाई दे रहा है हमें, ये इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट कैसे होता है, जो सनरेज आती हैं, तो उसकी हीट से ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है, एटमोसफियर में जाता है. वहाँ पर जब ये वेपोरेशन, ये जो वेपर होते हैं, कूल डाउन होते हैं, तब ये कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, तो क्लाउड्स बन जाते हैं. जब ये कंडेंस हो जाते हैं और वाटर वेपर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो काफ़ी हैवी हो जाते हैं, तो जिससे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होती है, इससे रेन होती है, या फिर किस फॉर्म में भी आ सकते हैं अर्थ पे जो वाटर है, कहीं आइस की फॉर्म, स्नो की फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर हेल की फॉर्म में आ सकते हैं. तो ये जो अब हमने क्या नोटिस किया कि पूरी प्रोसेस है ये कंटिन्यूस ऐसी चलती रहती है. वाटर इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हुई, फिर वाटर फॉल हुआ. तो इस तरह से इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. इसमें हम देखेंगे कि हमारी अर्थ में जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, फिर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं वहाँ पे पानी की कमी पाई जाती है. तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. मींस हमारी अर्थ में जो 3/4 पोर्शन है अर्थ का वो वाटर से कवर है. फिर भी हम हर जगह यही देखते हैं कि पानी की कमी है और जो पानी है वो पीने लायक नहीं है. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देन वाई देयर इज स्कैर्सिटी. तो पानी की इतनी कमी क्यों है जब इतना सारा पानी अवेलेबल है हमारी अर्थ पे. एंड द रीज़न इज नॉट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल टू अस. मीन्स जो सभी पानी जितना भी अवेलेबल है हमारी अर्थ में वो हमारे यूज़ करने की फॉर्म में नहीं है, हम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि वो फॉर्म किस वाटर किस फॉर्म में है, सलाइन फॉर्म में है. मीन्स ओशन में जो पानी होता है वो काफ़ी खट्टा पानी होता है, खारा पानी होता है, उसे हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. तो अब इस टेबल के थ्रू हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि कैसे है परसेंटेज वाइज. तो जो ओशियन में वाटर अवेलेबल है वो है 97.3, आइस कैप में है 2%, तो ग्राउंड वाटर में बचा 0.68, और फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009. तो ऐसे ही ये सारी परसेंटेज गिवन है. तो इससे हमने क्या समझा कि जो पानी है 97.3 और 2% है, ये तो सारा किस फॉर्म में है, पीने की फॉर्म में है ही नहीं, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. अब बचा कितना, 0.7% जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है. तो इसी वजह से जो पानी की कमी है वो हम कहते हैं कि हमें पानी को सेव करना चाहिए, फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए. अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड की मेजर सीज, रिवर्स एंड लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले अब हम इसमें डिस्कस करते हैं मेजर लेक्स के बारे में। तो यहाँ पे अफ्रीका में है विक्टोरिया लेक, नॉर्थ अमेरिका में है सुपीरियर लेक, लेक ऑफ हर्नन, सॉल्ट सिटी लेक। तो ये कुछ लेक्स थी हमारी। अब हम डिस्कस करेंगे रिवर्स के बारे में। इंडिया में है ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, अफ्रीका में है नील रिवर, नाइजीरिया रिवर, ऑरेंज रिवर, ऑस्ट्रेलिया में है डार्लिंग रिवर, साउथ अमेरिका में है अमेजन रिवर, नॉर्थ अमेरिका में है मिसिसिपी रिवर। तो ये रिवर्स हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं सीज। ब्लैक सी है यहाँ पे, यहाँ पे है हमारा कैस्पियन सीज है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, अरेबियन सी, कैनिबियन सी। तो ये कुछ मेजर सीज हैं हमारे वर्ल्ड के। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन मीन्स ओशियन में जो मूवमेंट्स होती हैं उसके बारे में। अनलाइक द कॉम वाटर ऑफ पॉन्ड्स लेक्स, ओशियन कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। अगर हम बात करते हैं जो वाटर अवेलेबल है पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो वो नॉर्मली काम रहता है आमतौर पर, है ना, कोई मूवमेंट नहीं होती जब तक हम उसमें कुछ करें नहीं, तो वो काम रहता है। लेकिन जो ओशियन है उसमें जो मूवमेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं, और इन मूवमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे वेव्स के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइड्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट्स के बारे में। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेव्स के बारे में। वेव्स होती क्या है? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। इट मीन्स जो वाटर सरफेस है ओशियन में, जो वाटर है उसके सरफेस पे वो जो वाटर है राइज और फॉल हो रहा है, उसी वाटर सरफेस पे वो जो वाटर है राइज और फॉल हो रहा है अल्टरनेटली, तो उससे क्या कहते हैं हम? वेव्स कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वेव्स होती कैसे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? जो मेन कारण है इसका वो है विंड। जब बहुत तेज़ हवाएँ चलती हैं ओशियंस में तो ओशियन वेव्स होती हैं, तो वहाँ पे वेव्स बनती हैं। वेव्स कैसे बनती हैं? सपोज़ ये वाटर बॉडी है हमारी, तो यहाँ पे विंड आई, बहुत तेज़ विंड आई, तो यहाँ पे ये प्रेशर लगा रही हैं, एग्जर्टेड कर रही हैं, तो अब यहाँ से वाटर फ्लो होगा, आगे आगे जाएगा और एक टाइम पे ये वेव्स की तरह बन जाएगा। ऐसे ये वेव्स क्रिएट होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। अब जब भी आंधी तूफान आता है ओशियंस में तो जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो जैसे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी उतनी ऊंची वेव्स बनेंगी, उतनी बड़ी वेव्स बनेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। सपोज ये ओशियन बेड है हमारा, ठीक है, तो जो ओशियन में वाटर दिखाई दे रहा है तो उसके नीचे भी एक सतह होती है, सपोज ये वो है। अब इसमें जब भी अर्थक्वेक आता है तो नीचे से वाइब्रेशंस होती हैं, तो उससे भी हमारे ओशन में वेव्स फॉर्मेशन होती हैं। जब भी कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तब भी ओशंस में वेव्स बनती हैं, और कोई लैंडस्लाइड होती है मीन्स अपनी जगह से खिसक जाती है वहाँ से ज़मीन, तो भी ओशनिक वेव्स बनती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, तो इनकी वजह से कई बार क्या आ जाती है? सुनामी भी आ जाती है, वो जो वाटर है बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, टू टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशियन कॉजिंग ट्रीमेंडस डिस्ट्रिक्शन। तो जो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं, जब ये सुनामी आती है ओशियन में, तो उससे जब ये ओशियन में बहुत सारी वेव्स बनती हैं, बहुत बड़ी ह्यूज वेव बनती हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जब सुनामी आई थी इंडियन ओशियन में 2004 में, जिसने बहुत भारी मात्रा में तबाही मचा दी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं टाइड्स। टाइड्स क्या होते हैं?
rhythmic rise and fall of the ocean water twice in a day is called tide. Means जब rhythmic rise and fall हो रहा है ocean water में, ठीक है. अब waves के साथ हमें confuse नहीं होना है. Waves में क्या होता है, जो water है वो water surface पे ही rise and fall हो रहा है, लेकिन tides में क्या होते हैं, जो ocean water है वो शोर से कभी ज़्यादा हो जाता है किनारों पर से और कभी कम हो जाता है. और ये एक दिन में ट्वाइस होता है, मीन्स एक दिन में दो बार होते हैं, तो इन्हें टाइड कहते हैं. तो टाइड टू टाइप से होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड. अभी टाइड्स बनते कैसे हैं, इनके पीछे रीज़न क्या है. द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज टाइड. ये जो सन और मून होते हैं, मून और ये सन, इनसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है. और हमारी अर्थ में मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, वाटर अवेलेबल है. अब ऐसा तो है नहीं कि फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है तो लैंड जाएगी उसकी तरफ, तो वाटर है जो हल्की चीज़ होगी वही जल्दी अट्रैक्ट होगी. तो ये जो वाटर दिखाई दे रहा है आपको शेड में, तो इस तरह से ये वाटर अट्रैक्ट होता है, काफ़ी पुल हो जाता है उस साइड, और जिससे जो वहाँ पे जो भी ओशियंस होते हैं, सी होते हैं, तो वहाँ पे ये टाइड्स बनते हैं. तो अभी हमने देखा कि टाइड्स टू टाइप्स के होते हैं, हाई टाइड और लो टाइड. तो अब हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग टाइड्स, इन्हें हाई टाइड भी कहते हैं. ड्यूरिंग द फुल मून, मीन्स जब हमें पूरा चांद दिखाई देता है, एंड न्यू मून जब हमें चांद दिखाई नहीं देता है, द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन. ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं. तो कोई एक सिचुएशन मान के चलेंगे हम, ठीक है, ये वाली सिचुएशन मान ली हमने. अब इसमें क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो जो पुल लग रहा है ग्रेविटेशनल पुल वो एक ही तरफ लग रहा है. ये जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ये एक ही तरफ लग रहा है, तो इस तरफ ज़्यादा ब्लंच होगा वाटर, तो यहाँ पे जो टाइड्स बनेंगे वो काफ़ी हाई बनेंगे, क्योंकि जब दोनों मून और सन एक तरफ हो जाते हैं तो ज़्यादा फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, और वहाँ पे जो टाइड्स बनेंगे काफ़ी हाई होंगे, और उन टाइड्स को हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं. अब इसी में नेक्स्ट टाइड है नीफ टाइड्स, इन्हें लो टाइड्स भी कहते हैं. व्हेन द मून इज़ इन द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर द ओशियन वाटर गेट्स डाउन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून, रिजल्टिंग इन द लो टाइड. तो अब लो टाइड कैसे बनता है, कि या तो ये जो मून है हमारा थर्ड क्वार्टर में होगा या फिर फर्स्ट क्वार्टर में, इस तरह से हो सकते हैं किसी एक में. सपोज हमने मान लिया थर्ड वाला, ऊपर ये वाला कंसिडर कर लिया, तो अब हमने इसमें क्या देखा, ये जो सन है ये यहाँ से ग्रेविटेशनल पुल लगा रहा है और मून वहाँ से लगा रहा है. तो अब वो जो पुल था ग्रेविटेशनल पुल वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इधर से लग रहा है और एक पुल इधर से लग रहा है. तो अब जो टाइड्स बन रहे हैं वो लो टाइड्स बनेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द टाइड्स. टाइड्स की एडवांटेजेस क्या हैं, फर्स्ट है हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. जो हाई टाइड्स होते हैं कई बार उनसे हम नेविगेशन में हेल्प मिलती है. हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग, और जो बहुत तेज जो हाई टाइड्स होते हैं वो फिशिंग में भी हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हाई टाइड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी किनारों पे आ जाता है, तो जब वो पानी किनारों पे आता है तो उनके साथ मछलियाँ भी आ जाती हैं, तो जो फिशरमैन होते हैं उनको फिशिंग में हेल्प मिलती है. टाइड्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब जो टाइड्स हैं इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और कैसे करते हैं, हम टाइडल पावर प्लांट लगाते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओशियन करंट्स. ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द सर्फेस इन डेफिनेट डायरेक्शन. अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने डिस्कस किया वेव्स के बारे में, टाइड्स के बारे में. उसमें जो वाटर की मूवमेंट है वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन जो ओशियन करंट्स हैं इसमें जो स्ट्रीम्स ऑफ वाटर है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली एक ही डायरेक्शन में फ्लो, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो इन्हें हम ओशियन करंट्स कहते हैं. अभी जो ओशियन करंट्स हैं ये भी टू टाइप से होते हैं, वार्म ओशियन करंट्स एंड कोल्ड ओशियन करंट्स. वार्म ओशियन करंट्स कैसे होते हैं, द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवार्ड द पोल. इसमें हम एक डायग्राम लेते हैं. सपोज ये हमने अर्थ बना ली,
ये हमारा इक्वेटर है, ये पोल हो गए। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या समझेंगे, द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। तो वार्म ओशियन करंट्स हैं, गर्म है, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होंगे, इक्वेटर से ओरिजिनेट होते हैं और पोल की तरफ मूव करते हैं। अब ये गर्म क्यों है, इन्हें वार्म ओशियन करंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पे डायरेक्ट आती है, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी, तो इस वजह से ये जो करंट्स हैं ये वार्म होती हैं और ये पोल की तरफ जाती हैं। अब ऐसे देखेंगे हम कोल्ड ओशियन करंट्स के बारे में। कोल्ड ओशियन करंट्स क्या होती हैं, इसमें भी हमने बना ली है हमारी अर्थ, ये इक्वेटर, पोल, ये सन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, इक्वेटर पे सन रेज काफ़ी स्ट्रेट होती हैं तो वहाँ पे ज़्यादा हीट मिलेगी। तो अब इसमें क्या होता है, कोल्ड ओशियन करंट में कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम, ये जो करंट्स होती हैं इनकी मूव डायरेक्शन क्या होती है, ये वाटर को कहाँ से लाते हैं, ये पोल से ओरिजिनेट होते हैं और ट्रॉपिकल मीन्स जो वार्म एरिया है यहाँ पे लेके आते हैं इन्हें, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, कोल्ड ओशियन करंट्स कहते हैं। इट मीन्स द कोल्ड ओशियन करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। अभी डायग्राम है, इस डायग्राम में जो हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रही है वो है हमारी कोल्ड ओशियन करंट्स, और जो रेड कलर में दिखाई दे रही है वो है हमारी हॉट ओशियन करंट्स। अभी जो डायग्राम है यहाँ देखो, अभी हमने क्या समझा था, जो हमारी ओशियन करंट है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो वो फ्लो करता है, यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ फ्लो हुई, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही चल रही है। अब हम देखते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया वाटर साइकिल के बारे में, कि कैसे जो हमारी अर्थ पर वाटर है वो सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर बनते हैं, फिर वो कंडेंसेशन हो जाती है, कंडेंस से प्रेसिपिटेशन फॉर्म में रेनफॉल होती है, और ऐसे जो वाटर की जो प्रोसेस है वाटर साइकिल वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, इसमें हमने क्या समझा, इसमें हमने देखा कि जो हमारी अर्थ में वाटर है ऐसे तो बहुत सी अमाउंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है हमारी अर्थ पे, लेकिन जो पीने का पानी है वो बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम वाटर की शॉर्टेज फेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन में हमने क्या देखा, ओशियन में जो मूवमेंट्स होती हैं वाटर की उसे देखा, कैसे देखा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेव्स के बारे में, वेव्स क्या होती हैं, ओशियन में जो वाटर सरफेस होता है उसी में जो वाटर राइज एंड फॉल होता है वो वेव्स होती हैं। टाइड्स में हमने दो तरह से देखा, हाई टाइड और लो टाइड। अब ओशियन करंट में हमने क्या देखा, जो ओशियन करंट में स्ट्रीम ऑफ वाटर है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 5 ज्योग्राफी में, आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।